तो भैया आप सभी को पहले दिल से राम राम। मैं मुकेश चंद्रगुण नोएडा भारत से। आज टोयोटा ईटीओस पेट्रोल इंजन का इंजन टाइमिंग जानेंगे। टोयोटा का रजिस्टर जैन 1 और टोयोटा का टाइमिंग चैन। टाइमिंग सही से दिखाओ बिल्कुल 0-0। ये टाइमिंग देख सकते हैं ना, एक यहाँ एक डिस्कलर रख दिया। ये क्रेन की टाइमिंग हो गई। पिस्टन TDC पोजीशन पे है, यानी पहला पिस्टन टॉप पे है, ठीक है। और इधर से टाइट करके देखो, एक ये एक ये एक इंटेक केम है, इंटेक के तरफ में रहेगा। एग्जॉस्ट केम है, एग्जॉस्ट के तरफ में रहेगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, अब ये वाला लगा देते हैं। आ जाओ रे, आ जाओ, ए बस, ठीक है जी, बस। एडजस्टर दो जी, न्यू एडजस्टर पकड़ना जरा इसे, बस न्यू एडजस्टर पैकिंग के साथ में है। पैकिंग लगा देते हैं अलग से, पैकिंग इस पुराना वाला पैकिंग ही ले रहे हैं। सुराख उराख देखना पड़ता है, काफ़ी रखा हुआ आइटम, कुछ गड़बड़ तो ना, ठीक है। इसमें बोल्ट वोल्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑयल की सप्लाई चलती है यहाँ, तो यहाँ बोल्ट लगाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। बोल्ट लगा के इसका नाश किया कर देता आदमी। चलो ये लाओ जो बोल्ट दो, तो अभी हमने टाइमिंग सेट कर दी। अब एडजस्टर का पिन निकाल देते हैं, छोटी सी पिन। पास में आ जाओ एक बार, टाइमिंग को समझो, उसके बाद से फिर अलग फिट करते हैं ज़रा। ये देखो डबल पॉइंट दिख रहा है ना, डबल पिन, वो डिस्कलर लगेगा। सिंगल पिन इंटेक लिखा हुआ है, इंटेक के तरफ में। ये सिंगल पिन एग्जॉस्ट और इंटेक, ये दोनों का मैटर नहीं करता है, बार बार का मैटर करता है एग्जॉस्ट का। एग्जॉस्ट पॉइंट एग्जॉस्ट के तरफ में, इंटेक का पॉइंट इंटेक के तरफ में। ये दिया हुआ है क्योंकि सेम पुल्ली है। यदि आप पुल्ली को उल्टे पलटे करते हो ना, उससे कोई मैटर नहीं करता। दूसरा ये कार्टर पिन देख रहे हैं ना, अपना ऊपर के तरफ लगा है, तो जो कार्टर पिन हमेशा ऊपर के तरफ में, ये वाला जो पुराना फार्मूला है, ये जिसने ध्यान दे लिया किसी भी टाइमिंग में नहीं फंसेगा। तो कार्टर ऊपर के तरफ में, दोनों में टाइमिंग कर लिया, डिस्कलर लगा दिया हमारा। नीचे की टाइमिंग दिखा दो यहाँ, ये देखो ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट पर डिस्कलर हमने डाल दी और हमने सारे तरफ से टाइट कर दी। केम की कंडीशन दिखाओ जरा, ये देखो केम की कंडीशन। बाहर के तरफ में एक इधर लूप और एक इधर लूप, दो लूप डाल दी और ये दोनों आमने सामने कर दी। एक नंबर चार नंबर का पिस्टन टॉप पे है, तो बंद होने चाहिए वाल नीचे से, इसके लिए लव ऊपर के तरफ में रहना चाहिए। और एक देखो, ये देखो, देख रहे हो ना, ये चीज़ अब ध्यान करना है। तीन आइटम ध्यान करना है। एक या तो इसके आमने सामने रहेंगे चार नंबर के, या फिर एक नंबर के आमने सामने रहेंगे। यदि एक नंबर आमने सामने रहेगा तो चार नंबर का उल्टा रहेगा, देखो उल्टा। अब यहाँ एक नंबर का उल्टा है तो इसलिए चार नंबर का आमने सामने हो गया, ये हो गई। और ये दो नंबर का, तीन नंबर का हमेशा एक दूसरे के वी टाइप में बनाएंगे। तो ये चीज़ें केमो की कंडीशन होती है। इधर आ जाओ, अब ये टाइमिंग हमारा कंप्लीट हो गया। अब टाइमिंग प्लेट लेके आओ, टाइमिंग प्लेट को लगाते हैं। उससे पहले एक बार एक राउंड घुमा के देखेंगे इंजन को। बिल्कुल फ्री इंजन घूम रहा है। अब लगाते हैं इसका टाइमिंग प्लेट, जिसमें ऑयल पंप भी है। स्टार्ट करना,